इधर लेबनान और इसराइल बॉर्डर पर भी फिर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। खबर है कि हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल पर हमला बोला। इन हमलों में हिजबुल्ला ने इसराइल की सेना के बड़े नुकसान का दावा किया है। यानी हिजबुल्ला के लगातार हमलों से इसराइल की सेना के लिए अलग वॉर फ्रंट खुल गया है। एक के बाद एक कई धमाकों से लेबनान और इसराइल की सीमा दहल रही है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक इसराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और लेबनान की तरफ से हुए इन हमलों में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने गाइडेड मिसाइलों के इस्तेमाल होने का दावा किया और दावा किया कि लेबनान से सटे इसराइल के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए। उधर इसराइल की सेना भी हिजबुल्ला के लड़ाकों के हर हमलों का बखूबी जवाब दे रही है। इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी तेज करती है, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही इसराइल की सीमा पर हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। जिसका मतलब ये कि हिजबुल्ला इसराइल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला पर इसराइल ने अब तक इसलिए ताकतवर हमले नहीं किए हैं क्योंकि वो उसे मिटाने के लिए बड़ा प्लान बना रहा और नेतन्याहू के इशारे के बाद उस प्लान का पर्दाफाश भी हो गया। हमास पर इसराइल भीषण हमले कर उसका नामोनिशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर उसने हिजबुल्ला से भी जंग छेड़ दी तो उसे दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा और हिजबुल्ला भी अकेला नहीं है, उसके साथ इसराइल का कट्टर दुश्मन ईरान खड़ा है। मतलब ये कि अगर इसराइल ने हिजबुल्ला से जंग शुरू की तो ईरान भी उसमें कूद सकता है और अगर ऐसा हो गया तो इसराइल को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। माना जा रहा है कि इसीलिए इसराइल खामोशी से हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है ताकि जब उस पर हमले किए जाएं तो ईरान भी उसे बचा ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्ला का खात्मा किया जा सके। इसीलिए नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास की बर्बादी के बाद हिजबुल्ला से हर एक जख्म का हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि उत्तरी इसराइल की सीमा पर हिजबुल्ला लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान में बनाए अपने ठिकानों से उसने इसराइल पर कई हमले किए हैं जिसकी वजह से इसराइल के कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्ला हर बीतते दिन के साथ इसराइल को जख्म पर जख्म दे रहा है। गाजा में इसराइल के हमले शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा से हिजबुल्ला ने इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी जिनकी चपेट में आने से इसराइल के 7 सैनिकों की जान जा चुकी है जबकि 10 लोग उसके हमलों की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं। हालांकि इसराइल ने भी हिजबुल्ला पर पलटवार किया है लेकिन इसके बावजूद उत्तरी इसराइल यानी लेबनान की सीमा से हिजबुल्ला की तरफ से हमले कम नहीं हुए। उसने इसराइल की सेना को निशाने पर लेकर उसे तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की और इतना ही नहीं, पहले जहां हिजबुल्ला रॉकेट से इसराइल पर निशाना साध रहा था वहीं अब उसने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। मतलब हिजबुल्ला ने इसराइल से जंग छेड़ने का पूरा मन बना लिया क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इसराइल पर घातक हथियारों से वार किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इसराइल की सेना हिजबुल्ला पर हमले करने में जहां नरमी बरत रही है वहीं हिजबुल्ला पूरी ताकत से हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक हिजबुल्ला इसराइल पर हमले के लिए टोही ड्रोन की मदद ले रहा है और पहले वो इसराइल के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाता है और फिर उन पर मिसाइलें बरसा देता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि हिजबुल्ला को रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भेजी ताकि ईरान के दुश्मन इसराइल को घुटनों पर लाया जा सके। ऐसे में जब हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने यह दावा किया कि इसराइल पर घातक मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए गए तो रूस पर भी उंगली उठने लगी।